वेलकम फ्रेंड, पार्ट टू में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, राइट। अभी समझते हैं कि मेजर आर्क और माइनर आर्क होता क्या है, राइट। अब सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, एक सर्कल है, यहाँ पे ओ इसका सेंटर, ए और बी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट्स हैं, राइट। अब ये पॉइंट्स क्या करते हैं, सर्कल को यहाँ से काटते हैं, उसको कट करते हैं। देखो, ये पॉइंट ने क्या किया, सर्कल को कट कर दिया। तो देखो, आपको ऐसा मिलेगा। देखो, ये ए बी ने क्या कर दिया, नीचे का एक टुकड़ा अलग से कर दिया और ऊपर का एक टुकड़ा अलग कर दिया। देखो, ये वाला बड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे और ये छोटा टुकड़ा। देखो, मैंने बीच में जगह भी छोड़ी है यहाँ पे, राइट। ये आपको स्पेस दिखाई दे रही होगी। तो सर्कल के कोई दो पॉइंट क्या करते हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस को कुछ लेंथ में कट कर देते हैं, राइट। अब उसमें क्या होगा कि एक टुकड़ा है वो छोटा होगा और दूसरा टुकड़ा है वो बड़ा होगा। अब छोटे को बोलेंगे माइनर और बड़े को बोलेंगे मेजर, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे ए एन बी और ए एम बी। ए एम बी बड़ा पीस है और ए एन बी छोटा पीस है, राइट। मगर ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस है तो हम इसको आर्क मानेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ए एम बी इज अ मेजर आर्क एंड ए एन बी इज अ माइनर आर्क, राइट। अब क्लास टेंथ में आप सर्कल पढ़ोगे तो आपको इसकी लेंथ कितनी होगी और मेजर आर्क की और माइनर आर्क की लेंथ कितनी होगी वो भी आपको ढूंढने के लिए बोला जाता है। अब टू क्लास नाइन्थ तक तो ये फॉर्मूले नहीं आते हैं, मगर क्लास टेन के सर्कल के में सर्कल में आपको ये फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि कोई एंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंगल होगा यहाँ पे जो आपको क्लास टेन में समझ में आएगा। तो जस्ट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ऑफ मेजर आर्क इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर क्यों, क्योंकि सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, जो मैं आपके आगे आपको डिस्कस करूंगा। अगर आपको सर्कल की पेरीमीटर फाइंड करनी है, बाउंड्री फाइंड करनी है या सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमारी होती है रेडियस। और फॉर्मूला ऑफ मेजर आर्क तो क्या हो जाएगा, थीटा 2, यहाँ पे हमने थीटा 1 लिया था और थीटा 2 ले रहे हैं। अब थीटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज 360 माइनस थीटा 1। थीटा 2 कब मिलेगा, अगर आप 360 में से थीटा 1 को माइनस करोगे तो आपको थीटा 2 मिल जाएगा, राइट। तो ये रहे आपके दो फॉर्मूलेज। और एक बात आपको याद रखनी है कि सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल की एक चीज, सर्कल का एक कंसेप्ट फॉर्म करती है। एक सर्कल में से बनने वाली एक ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन करती है जिसको हम बोलते हैं आर्क, राइट। अब सर्कल के दो पॉइंट्स क्या करते हैं, सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक बड़े पार्ट को बोलते हैं मेजर आर्क, जो हमने देखा ए एम बी यहाँ पे, और छोटे पार्ट को बोलेंगे माइनर आर्क। और साथ साथ में हमने इनका फॉर्मूला भी देखा कि अगर आप मेजर आर्क और माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करना चाहते हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।